हेलो यू गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल XOAD। मेरा नाम हिरे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो चलिए तो देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देखिए। तो इस टाइप की नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं आज मैं आप लोगों को यही बताऊँगा। सो लेट्स डिग इनटू इट। सो हमेशा की तरह म्यूज ऑन करना है और ये फिलहाल एक ये ट्यूटोरियल है, तो आप लोग पेज साइज कुछ भी ले सकते हैं। आपको जब अच्छे से आप करना है तो आप विड्थ और हाइट साइज से सेट कर लीजिए, वो आप लोग बस इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रिक्स बता रहा हूँ कि होता कैसे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, विजिट्स एंड लाइब्रेरीज पे जाना है, उसके बाद मेन्यूज़ पे जाना है, ये जो यहाँ पे मेन्यूज़ है, उसके बाद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप लोग दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों दिखाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, उसके बाद इसे सही जगह प्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इसे थोड़ा ड्रैग कर ले ताकि इसको और रूम मिले और काफ़ी दिखने में अच्छा लगे। चलिए तो इसको अभी पिन कर देते हैं। तो मैं साइड टॉप एंड राइट साइड पे इसको पिन कर दूंगा। उसके बाद क्या है, आपको क्लिक करना है किसी भी एक पे, नॉर्मल पे। मुझे एक्चुअली इसमें कोई भी कलर नहीं चाहिए, ना स्ट्रोक चाहिए ना कलर चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा इसकी कलर हटा दूंगा, ठीक है। रोल ओवर पे जो है इसकी भी मैं कलर हटा दूंगा, ठीक है। एक्टिव पे जो है इस पे नहीं, इस पे मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मूव है उस पर आपको क्या करना है कि नॉर्मल पे माउस ओवर को भी हटा दीजिए, सबको यहाँ पे मतलब नील कर दीजिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ब्लैंक, ठीक है। नॉर्मल पे क्लिक कीजिए। नॉर्मल पे जाने के बाद अभी मुझे क्या चाहिए, इस पर मुझे इफेक्ट चाहिए, तो ठीक है मैं टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, नॉर्मल पे करने के बाद नॉर्मल पे कोई भी एक क्लिक किए हुए उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर टेक्स्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो विंडोज़ पे जाके टेक्स्ट को टिक मार्क कर लेना है, तब आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आप चाहते तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ 14, ठीक है। इसकी साइज 14 कर दिया मैंने, वेट अ सेकेंड, ठीक है। इसकी साइज़ मैंने 14 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जब ये नॉर्मल है तो मैं इसकी ट्रैकिंग वैल्यू दूंगा 1 इज गुड इनफ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये ऑलरेडी सेंटर है, अब मैं इसके कलर के साथ खेल सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप कलर के साथ खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। सो मैं देखता हूँ कौन सा कलर लूँ, ब्लैक सही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आप बोल्ड वोल्ड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ये होता है ना, रेगुलर जो होता है उसको रेगुलर यूज कीजिए आप, ठीक है। कोई बोल्ड करने जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनप्रोफेशनल टाइप का थोड़ा सा दिखने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, रोल ओवर पे जाना है। रोल ओवर पे मुझे क्या करना है, सेम चीज़, इसको आप 14 रहने देना है और ये ट्रैकिंग वैल्यू है इसको इंक्रीज कर देना है जितना आप चाहते हैं, 5 इज़ गुड इनफ। अब मैं क्या करूँगा, और मैं क्या चाहता हूँ, रोल ओवर पे इसकी कलर जो है वो चेंज होके वाइट हो जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब क्या करना है कि अब इस पर आपको पहले इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, देख रही है? अभी ये होम पे है तो ये एक्टिव पे है, देख रही है?
अब मैं क्या करूँगा कि जो एक्टिव पेज है उसको भी मैं सेट कर देता हूँ। एक्टिव पे मैं कलर कर देता हूँ ताकि इंडिकेट सही से हो जाए। इस पे मैं क्या कलर दूँ, येलो। एक सेकेंड, ग्रीन, डार्क येलो, हाँ ये कलर सही है। आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इस पर इफ़ेक्ट्स डालूँगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, नॉर्मल पे जाना है और इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक ही नेविगेशन बार को क्लिक किया हुआ है, ठीक है। डबल क्लिक करना है और ये क्लिक हो गया, ठीक है। आप नॉर्मल पे है, इफ़ेक्ट पे जाना है और शैडो मुझे नहीं चाहिए, सॉरी नॉर्मल पे है। उसके बाद क्या करना है, मुझे नॉर्मल पे इसको ट्रांजिशन वैल्यू इसकी सेट करनी है और ड्यूरेशन देना है 5। हाँ 5 बहुत सही है। इजी इन लेजर आप कुछ भी कर सकते हैं, इजी इन, इजी आउट कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। मैं इजी रहने दूंगा, एज रहने दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा कि नॉर्मल पे मैंने सेट कर लिया, अब रोल ओवर पे सेट कर लेते हैं। रोल ओवर पे भी सेम करना है 5, सही है। अब भी क्या करना है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, 5 नॉर्मल पे भी है और इस पे भी है। अब डन हो चुका है ये, अब जाना है आपको और इसे प्रीव्यू इन ब्राउज़र करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, दिख रही है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं वर्टिकल को भी सेम बनाऊँगा, ठीक है। विजिट लाइब्रेरी पे गया, मेन्यूज पे गया और वर्टिकल को ड्रैग एंड ड्रॉप, अब इसको भी मैं सेट कर देता हूँ इधर और इसको पिन किया मैंने साइड लेफ्ट, ठीक है। अभी सेम इसको भी बहुत सेम चीज़ करना है, मुझे फिल कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मल पे, रोल ओवर पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। माउस ओवर पे भी कुछ नहीं चाहिए, डिलीट। एक्टिव वेब पे भी कुछ नहीं चाहिए, डिलीट। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कलर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप लोग कलर ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं वीडियो की लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैं चलो इफेक्ट अभी से डाल देता हूँ इस पर, ठीक है। फेड और ड्यूरेशन 5, रोल ओवर पे भी सेम हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट पे क्लिक है, टेक्स्ट पे जाना है, मुझे कलर चाहिए ब्लैक, पहले से नॉर्मल कर लेते हैं, मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जो रोल ओवर है, पहले नॉर्मल पे मैं सारा, उसके बाद मैं नॉर्मल पे इसको 1 दूंगा, ठीक है। रोल ओवर पे जाना है, रोल ओवर पे कलर सेलेक्ट करना है वाइट, फिर ट्रैकिंग देना है मुझे 5, चलिए इसके थोड़ा ज़्यादा देते हैं 6, हाँ 6 बेटर है। उसके बाद एक्टिव पे सेट करने की बारी आ गई मुझे। एक्टिव पे मैं भी कोई भी कलर चूज़ कर लूँगा जो मैंने पहले किया था, ठीक है। अब ये डन हो चुके हैं, चलिए अब प्रीव्यू कर लेते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल टाइप की विंडोज़ बन चुकी हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। सो वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, पीस आउट।